तो इंडिया में ओला को ना बायकॉट करना चाहिए, वो इसलिए दोस्तों कि ओला का जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह बिका है दोस्तों, उसमें क्या हो रहा है कि किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है और वो क्लेम कर रहा है या कोई भी परेशानी वगैरह बता रहा है, तो वहाँ पर दोस्तों अपोजिट एरिया में वहाँ पर बोट लगा कर बैठा हुआ चीटिंग करता है तो है दोस्तों ओला के मतलब जो सिस्टम है वो, और वो बोर्ड जो है आपको रिप्लाई कर रहा है, इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ओला जो इस तरह का चीटिंग वाला काम कर रहा है इंडिया में, उसको बैन करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। मॉर्निंग में वीडियो नहीं आया दोस्तों क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए थे, लेकिन दोस्तों बात करते हैं कल के पोल की। हमने आपसे पूछा था कि आप अपना फ़ोन को अपडेट करते हैं या नहीं करते हैं, तो दोस्तों 19% लोगों ने कहा कि नहीं करते, लेकिन 81% लोगों ने कहा कि करते हैं। 19% लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप करिए अपडेट, सिक्योरिटी पैच लेवल का जो अपडेट है वो ज़रूरी है, वरना आपका फ़ोन डब्बा हो सकता है। कभी भी इस तरह कोई रिपोर्ट है आपकी, आप करते हैं कि नहीं अपडेट वगैरह, कमेंट में अपनी राय ज़रूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली न्यूज़ की, वो दोस्तों आ रही है व्हाट्सअप की तरफ से। व्हाट्सअप में दो तरह का फीचर्स आया है। पहला जो है दोस्तों स्टोरी में आप इमोजी यूज़ कर सकते हैं, वही एनिमेशन वगैरह, और दूसरा जो है दोस्तों ग्रुप वगैरह में आप 2 GB तक का फाइल को सेंड कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मतलब उसमें कोई भी फाइल हो सकता है और उसको सेंड कर सकते हैं 2 GB तक का। इस तरह की कुछ न्यूज निकल के आ रही है। आप दोस्तों क्या भेजेंगे आप अपने गर्लफ्रेंड वगैरह को? वैसे ग्रुप बनाकर अगर आप गर्लफ्रेंड रखे हैं तो भैया दिक्कत है, सिर्फ आप ही नहीं कोई और भी भेजेगा उसे। कुछ कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, आप सिक्योर है या नहीं है आप। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। अगला खबर भी आ रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को अब यूज़ करने के लिए आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एक ब्राउज़र फीचर्स आने वाले हैं जिसमें आप फोटो देख सकेंगे, कमेंट नहीं कर सकेंगे, लाइक नहीं कर सकेंगे, वीडियो देख सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। जो भी करना है उसके लिए आईडी बनाना होगा। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। ये फीचर्स आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और दूसरा न्यूज़ ये है फेसबुक की तरफ से कि नियर बाय फ्रेंड जो आता था दोस्तों वो अब नहीं आएगा, मतलब आपके इलाके के आसपास अगर कोई आता था, GPS ऑन हुआ कि नहीं तो तुड़ुम से घंटी बजता था कि कौन आ गया है, तो दोस्तों डॉन 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 ऐसा लगता था आपको, लेकिन अब ये फीचर्स हटा दिया गया है। तो आपकी जो भी राय है, आप यूज़ करते थे नियर बाय फ्रेंड, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप ट्विटर की। ट्विटर में दोस्तों स्पेस वाला जो फीचर्स है, वैसे ये फीचर्स हम भी यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। इसमें लाइव टॉक होता है ग्रुप बनाकर, मतलब जो भी फॉलो किया है तो हम वहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तो आप आ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो संडे को रात के या शाम के दोस्तों मैं टाइम बता दूंगा कि कब आऊँगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन इसी पे ये अपडेट आ रहा है कि इसमें ये लोग टेस्ट कर रहे हैं कि इसका मतलब बात करते करते चैट भी कर सके। इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है। आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, आप स्पेस पे आएंगे बात करने या नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप स्नैपड्रैगन की। स्नैपड्रैगन 8th Generation OnePlus 2022 का दोस्तों मतलब ये 6ठा महीना से पहले ये लॉन्च होने वाला था, लेकिन आप ऐसा बताया जा रहा है कि सेकंड ऑफ क्वार्टर के मतलब हाफ में ये लॉन्च होगा। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, थोड़ा सा डिले हो गया है। आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। चलिए दोस्तों गरीबों का मसीहा गरीबों का रक्षक, अगर ये बात मैं बोलूँगा टाटा को तो गलत नहीं होगा दोस्तों। ज़माना जो है अभी क्या है, इलेक्ट्रिक कार निकालने में लगा हुआ है, अमीरों को और अमीर करने में लगा हुआ है, लेकिन गरीबों का क्या, छोटी छोटी छोटा हाथी हो गया या फिर ट्रक हो गया, छोटा ट्रक हो गया या मिनी बस हो गया या इस तरह का जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें इलेक्ट्रिक नहीं है। अभी भी पेट्रोल इतना महंगा और डीजल इतना महंगा है, लेकिन दोस्तों टाटा ने क्या किया कि अपना टाटा एस को वो कन्वर्ट कर दिया है इलेक्ट्रिक में, और 154 का दोस्तों माइलेज देगा, मतलब सिंगल चार्ज में। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, मतलब टाटा एस जो है ईवी बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों 39,000 बुकिंग भी पड़ चुका है जैसे ही दोस्तों रिपोर्ट आया। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये चीज़ और दूसरे ब्रांड को करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों वक्त होता है आपके सवाल लेने का, और जिन्होंने सवाल किया दोस्तों उनका नाम अगर आप सुनेंगे तो भड़क जाएंगे। ये फंस गया सी, उनका नाम है COVID-19। देख लीजिए आप स्क्रीन में, इन्होंने सवाल किया है कि Redmi Note 10 Pro को अब लेना चाहिए 6GB RAM 128GB इंटरनल मेमोरी वाला जो है 16,000 में, आपको क्या लगता है? आप कमेंट में ज़रूर बताइए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से पूछेंगे तो नहीं लेना चाहिए। अगर कैमरे की तरफ आप देखेंगे तो इससे अच्छा आपको दोस्तों मिल जाएगा 16,000 में, गेमिंग के लिए भी इससे अच्छा मिल जाएगा और बैटरी बैकअप के लिए मिल जाएगा, लेकिन ये अंडर 15,000 में मिल रहा है तो आप ले लीजिए। इससे ज़बरदस्त कैमरा नहीं मिलेगा, बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 15,000 से ऊपर इसमें पैसा देना वेस्ट ऑफ मनी है आज के डेट में, तो बस
पास थोड़ा सा संभालिए, और अंदर 15,000 अगर मिल रहा है तो ले लीजिए, 16,000 में ये सही नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं वीवो की। वीवो का दोस्तों S15 टीना में लिस्ट हो गया है स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ। अब ये दोस्तों कैसा होगा पता नहीं, लेकिन दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि वीवो का Y75 ये जो फ़ोन है दोस्तों 4G फ़ोन होने वाला है। स्नैपड्रैगन 680 या हीलियो G96 का इसमें प्रोसेसर होगा, लेकिन दोस्तों ये डिसेंट सा इंट्री लेवल का फ़ोन होगा जिसकी प्राइस होगी 12-13 हज़ार रुपये। आपकी जो भी राय है कमेंट में ज़रूर दीजिए। लेकिन दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि वीवो का X80 18 मई को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, इस तरह की पूरी कन्फर्मेशन है। आप दोस्तों X80 के लिए रुके हैं या लेना चाह रहे हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं OnePlus का Note 2T। इसका दोस्तों लिस्टिंग आया है और ऐसा बताया जा रहा है कि $399 पे दोस्तों इसकी प्राइस आई है 628 का। मतलब अगर इस प्राइस को कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो 30,000 रुपये होता है इंडियन मनी के हिसाब से। आपको क्या लगता है, डायमेंसिटी 1300 वाला इसमें प्रोसेसर होगा, 5080 2 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और दोस्तों 4500 mAh की बैटरी, यही सब एमोलेड डिस्प्ले। आपको क्या लगता है 30,000 के रेंज में ये फ़ोन सही है या नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब इन्फिनिक्स की। इन्फिनिक्स का नोट, इसकी फर्स्ट लुक आ गई है आप देख सकते हैं, लेकिन ये नोट 1, 2, 3, 10, 14, 15 क्या है दोस्तों पता नहीं, लेकिन 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और इसमें दोस्तों 120 वाट का फास्ट चार्जिंग होगा। आप दोस्तों इस फोन को लेना चाहेंगे या नहीं कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं गूगल पिक्सल की। फोन तो आता नहीं इंडिया में, लेकिन लीक्स आ जाती है दोस्तों। आई एम सॉरी बाबू। पिक्सल 7 प्रो ये जो फोन है दोस्तों, इसका बैक केस देखा जा रहा है, डिजाइन कुछ इस तरह का है। अगर इंडिया में आया तो आप इसे लेंगे या नहीं लेंगे, यहाँ तो लेने के लिए दोस्तों कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन ये फोन पता नहीं क्यों आता है। अगर आ गया तो इसे भी दोस्तों ले लिया जाएगा। जब इंडिया में दोस्तों ओप्पो का F21 प्रो या F21 ये फ़ोन दोस्तों लॉन्च हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, आप इसे बाय करेंगे या नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं ओप्पो की, बातें हो रही है तो दोस्तों ओप्पो रेनो 8 लाइट ये जो है दोस्तों यूरोप में लॉन्च हो चुका है। अब ये दोस्तों कौन सा फ़ोन है पता नहीं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लिस्टिंग वगैरह आ रही, डिज़ाइन भी अलग अलग आ रहा, लेकिन स्नैपड्रैगन 7th Gen 1 के साथ आएगा। गीगबेंच में ये लिस्ट हो गया और ये फाइनल हो गया। आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय ज़रूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं 12 मई की। 12 मई को दोस्तों मोटो का S30 ये जो फ़ोन है दोस्तों लॉन्च होने वाला है। इसमें दोस्तों स्नैपड्रैगन 778 प्लस वाला प्रोसेसर होगा, OLED डिस्प्ले 144Hz के साथ, DCI-P3 कलर गैमेट, HDR10+, और दोस्तों इसमें 6.7 इंच का डिस्प्ले होगा। मतलब दोस्तों सिर्फ नंबर का खेला है यहाँ पर। बात करते हैं दोस्तों कैमरा की, 50-50 2 मेगापिक्सल का, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी, लेकिन इतना कुछ अच्छा जो सुन है तो कुछ ख़राब भी सुन लीजिए। 4000 mAh की बैटरी, 40W या 44W का फास्ट चार्जिंग। आपको क्या लगता है दोस्तों, कोई चमन है जो इसे खरीदेगा? अगर बैटरी बैकअप नहीं मिला तो फ़ोन का क्या, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप Xiaomi की। Xiaomi का Mi Band 7 का अगर फर्स्ट लुक देखना है, वैसे दोस्तों Mi तो हट गया, Xiaomi Band 7 तो इसका फर्स्ट लुक देख लीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा। आपको कैसा लग रहा कमेंट में अपनी राय ज़रूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं पोको की। पोको का दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया के BIS पे एक फ़ोन लिस्ट हुआ है जो दोस्तों Redmi के ब्रांडिंग में है। अब ये दोस्तों पोको में आएगा या रेडमी में आएगा कन्फ्यूज़न है, लेकिन दोस्तों इंडिया के BIS में आ गया है। मुकुल शर्मा ने इसमें ट्वीट किया है। आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय जरूर। तो दोस्तों टेक न्यूज़ होती है खत्म। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नया हमारा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों आप क्या कर रहे हैं आजकल कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।